हूँ शिवशंकर पांडे और आप देख रहे हैं एसएसपी न्यूज पलामू। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नौडियाहा बाजार के सरेडी शाहपुर निवासी प्रमोद साव के 13 वर्षीय बेटा संदीप साव की हत्या की आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पलामू पुलिस ने एक खुलासा की है। यह हत्या महज 3,000 रुपये के लिए अपने चचेरे भाई 19 वर्षीय बिट्टू कुमार ने पत्थर से कुचकर हत्या कर दी थी। एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना के आसपास के समय चचेरे भाई बिट्टू कुमार ने कई बार उसे फ़ोन किया था और हत्या के समय भी बिट्टू का फोन का लोकेशन घटनास्थल का ही था। संदेह के आधार पर पूछताछ की गई तो बताया कि मृतक की दुकान से 3,000 रुपये का राखी अपने दुकान में बेचने के लिए लिया था, जो बार बार मृतक मांगा करता था। घटना वाले दिन भी पैसे को लेकर बहस हो गई और इस दौरान मैंने पत्थर से कुचकर हत्या कर प्लास्टिक में लपेट कर दफना दिया था। वहीं इस हत्याकांड में उद्भेदन में शामिल एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह, थाना प्रभारी कुदुस अंसारी, एसआई शेखर कुमार, प्रशिक्षु एसआई प्रभात रंजन राय, राजेश लोहड़ा शामिल थे। दिनांक 15/8/2020 को नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सरैडी निवासी एक नाबालिग बच्चे के गुमशुदगी की शिकायत दूसरे दिन 16 तारीख को थाना नौडीहा बाजार को प्राप्त हुआ था। इस संबंध में एक गुमशुदगी का सनहा दर्ज करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही थी कि इसी क्रम में उस बच्चे का शव जो है छोटकी नदी के पास एक निजी पत्थर खदान है, वहां बरामद किया गया। शव को देखने से ये प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उसकी हत्या करके उसको दफना दिया गया। अनुसंधान के क्रम में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें कि मृतक का मोबाइल का CDR और घटनास्थल पर लिए गए अन्य तकनीकी संसाधनों से जो साक्ष्य एकत्रित हुए थे, उसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि इस घटना में कोई इनका करीबी आदमी ही शामिल है। इसी लीड पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए इनके अपने सगे चचेरे भाई को, जो उनके घर के बगल में ही इनका घर है, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में मालूम चला कि मृतक और इसके बीच में 3,000 रुपये के लेन देन का कोई विवाद था। इसी बात को लेकर तूतू महीना हुआ घटना वाले दिन, जिसमें मृतक का जो चचेरा भाई है बिट्टू कुमार, उसके द्वारा इसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद शव को छुपाने के लिए जमीन के नीचे गाड़ा गया। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में स्थित मोबाइल फोन, मृतक का चप्पल और जिस पत्थर से इसके सर पर वार किया गया था, उसको बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, उसको आज न्यायिक रक्षा में भेजा गया है। आगे की कार्रवाई की जाए।